हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश चौधरी जी। और आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मतलब एक नई चीज़ के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन पूछा था कि एक एस्पिरेंट ने जब नए ने जब थाने पहुँचे तो वहाँ थाने पहुँच के मतलब आप लोगों ने क्या किया, क्या फॉर्मेलिटीज़ हुई, तो नए नए रिक्रूटमेंट को कैसी ड्यूटी वूटी दी जाती है, मतलब क्या सब चीज़ें होती हैं, तो ये आज मैं स्टूडियो बताऊँगा। इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी वो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में थी, मतलब जिस किसको पोस्टिंग मिली है, तो कैसे कैसे पोस्टिंग मिली है, कहाँ मिली है, उनका बेस क्या था, तो ये सारी चीज़ें पहली वीडियो में बता चुका हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो जाके देख सकता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 बजे करीब थाने पहुँचे थे, क्योंकि किसी ज़िले से ट्रांसफ़र होकर बंदा आता है या नया रिक्रूटमेंट होता है तो सबसे पहले ज़िले की पुलिस लाइन में उसकी एंट्री होती है, जिसे हम पुलिस की भाषा में आमद बोलते हैं। तो ज़िले की पुलिस लाइन में होती है, तो हमने 17 तारीख को बुलंदशहर की पुलिस लाइन में हमने अपनी आमद कराई। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम अपने थाने में आए, जो थाना हमको अलर्ट हुआ था उस थाने में आए। करीब 12 बजे हम आ चुके थे, तो जैसे हम थाने आए अपनी गाड़ी से उतरे तो हमारे पास सामान था, मतलब बैग वगैरह थे, एज ए टूरिस्ट मतलब ऐसे हम लग रहे थे। जैसे हम थाने उतरे तो थाने का स्टाफ भी था उधर, तो उनके लिए हम नए थे, हमारे लिए वो नए थे, हम उनकी शक्लें देख रहे, वो हमारी शक्ल देख रहे थे। तो फिर उतरे, फिर हम अपने कार्यालय में गए, तो वो कार्यालय पहुँच के हम जाके अपना बैठ गए। तो हम लोगों को पता नहीं था कि कौन स्टाफ, मतलब कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कुछ सिविल में घूम रहे थे, कुछ वर्दी में घूम रहे थे। तो जो भी हमारे सामने से निकलता है हम सबको जैन सर जो सबको जैन कर रहे थे, मतलब हमको ट्रेनिंग में से बता के ही भेजा था कि जब भी आप जिले में जाओ, अपने थाने में जाओ, तो सबको मतलब अच्छे से बिहेव करना। जैसे कि जब हम छोटे थे ना तो हमारे मम्मी पापा या फैमिली वाले हमें कहीं दूर लेके जाया करते, फंक्शन में लेके जाते थे किसी रिलेटिव्स के यहाँ, तो घर से समझा के लेके जाया करते थे कि बेटा वहाँ जाओ तो सबसे नमस्ते करना, कोई भी उदम मत करना, कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए ऐसा। तो ऐसे ही जब हम ट्रेनिंग सेंटर से आए थे तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर लोग थे सब ने मतलब हमें ऐसे समझा के भेजा था कि जब भी आप जिले में जाओ तो जाते ही सबसे पहले सबको एक अच्छा सैल्यूट मारना, और सैल्यूट मार के जो भी काम की हो तुमसे बोले वो काम करना, कोई भी इनडिसिप्लिनिटी मत करना है ना, और अच्छे से वर्दी कैरी करना, बढ़िया अच्छी वर्दी पहनना, उनको लगना चाहिए कि तुम एक अच्छी ट्रेनिंग करके आ रहे हो। मतलब वो ये कहते हैं, हम ये नहीं सुन रहे कि उन्नाव का ट्रेनिंग करा हुआ बच्चा वहाँ जाके मतलब ऐसे करना है, मतलब दिखना चाहिए तुम एक अच्छी ट्रेनिंग करके आ रहे हो, ऐसे वहाँ जाके बिहेव करना है। तो ऐसे ही हम एकदम अच्छे बच्चे बन के हाथ पर बांध के बैठ गए, जो आ रहा है जहन जहन कर रहे हैं। तो पुलिस के साथ एक बंदा आया, वो मतलब सिविल कपड़ों में था, अच्छे पैंट शर्ट पहने हुए जा, तो हम बैठे थे, हमने बोल दिया उसको भी जहन बोल दिया। तो पुलिस बोलती है भाई ये कोई सिग्नल नहीं है, इसको हम पकड़ के लेके आए, जेल बंद करना है इसको। हमने पुलिस से अपना जहन वापस ले लिया। फिर थाने में एक रजिस्टर होता है जिसमें जो भी नया रिक्रूटमेंट आता है या कोई ट्रांसफ़र होकर बंदा उस थाने में आता है तो उसकी सारी डिटेल लिखी जाती है, उसका नाम, पिताजी का नाम, उसका मतलब एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। तो फिर हमने उसमें अपनी सारी चीज़ें डिटेल हमने उसमें भरी, अपना नाम लिखा और फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें हमने उसमें भरी। उसके बाद फिर जो थाने के प्रभारी थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने मतलब हमको एक उस एरिया में एक होटल है उनकी पहचान कर रहा हुआ, तो वहाँ उन्होंने हमको मतलब 2-3 रूम दिलवा दिए और सारे लोगों को मतलब वहाँ पे स्टे कर दिया। तो जब तक हमारा रहने का मतलब परमानेंट अरेंजमेंट नहीं होता, टेम्प्रेरी बेस पर उन्होंने हमको वहाँ पर रोक दिया कि तब तक आप रहो, जब तक अपने रूम वगैरह देख रहे हो। तो उसके बाद फिर हालांकि अपना रूम देख लिया, अभी मैं उसी में बैठा हूँ नए वाले में। तो फिर 2-3 दिन हम उसमें रहे, हम अपने रूम पर रेस्ट करने भेज दिए। उसके बाद फिर शाम को हमको 5 बजे वहाँ थाने बुलाया गया वर्दी पहन के, तो हम सारे लोग फिर 5 बजे थाने आए। उस टाइम हमें मतलब जो थाने के कोतवाल होते हैं प्रभारी, उनके साथ हमें क्षेत्र में गश्त करना था, जो हमारा थाना क्षेत्र होता है पुलिस उसमें गश्त करती है। शाम के टाइम सारा स्टाफ, थाने के प्रभारी सब मिलके उसमें पैदल गश्त होता है। तो हम थे, हमारे प्रभारी सर थे, हम सब ने मिलकर उसमें पैदल गश्त किया थाना क्षेत्र में। तो पब्लिक थी, थोड़ी सी नोटिस कर रही थी कि नए नए सब इंस्पेक्टर हैं, वर्दी पहन पहन के 7-8 पता नहीं आ गए हैं, तो सब देख रहे थे। हम भी घूम रहे थे, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी घूम रही थी, तो बढ़िया लगा। तो फिर 8 बजे तक पैदल गश्त किया, उसके बाद थोड़ा वाहन चेकिंग वगैरह करी, फिर हम वापस अपने थाने आ गए। रात को फिर हमारी मीटिंग हुई थी, प्रभारी सर ने हमारी मीटिंग ली कि हमको बताया ड्यूटीज़ के बारे में कि आपको पब्लिक के साथ में ऐसा बिहेव करना है, ऐसा अच्छे से बात करनी है, कोई मतलब शिकायत ना आए, अग्रेसिव नहीं होना है, हम्बल रहना है ना, और ड्यूटी टाइम से आना है, ऐसा कुछ मतलब बताया। हमको अपनी डायरी मेंटेन करनी होती है यहाँ के, उस डायरी में सारा शेड्यूल लिखना देखना पड़ता है हमको पूरा दिन का। तो वो मीटिंग लेके फिर अपना हमको भेज दिया वापस। अगले दिन फिर हमको 9 बजे थाने पर आया, थाने पर आए तो हमको अपने ड्यूटी पॉइंट बता दिए गए कि आपको वहाँ ड्यूटी करनी है। ऐसा इलेक्शन चल रहा है ना, तो इलेक्शन टाइम पर क्या है, मतलब वाहन चेकिंग वगैरह ये सब ज़्यादा होती है, कोई मतलब शराब वराब तो नहीं लेके जा रहा,
या फिर कोई कैश वैश तो नहीं लेकर ज़्यादा मतलब बांटने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो इलेक्शन टाइम पे ज़्यादा होती हैं। तो फिर वाहन चेकिंग अगर हमको अपने पॉइंट बता दिए तो वहाँ पे खड़े होंगे, तो वहाँ पे हमारे साथ में एक सीनियर बंदा भी रहता है, मतलब पुराना आदमी, चाहे वो हेड कॉन्स्टेबल हो सकते हैं, वो SI भी हो सकते हैं पुराने, तो वो उनके साथ में हमको डेप्यूट कर दिया गया। दोपहर में फिर हमारी एक चालान की ID बनवाई गई, CO सर के ऑफिस से बनती है, जिससे हम वाहनों के चालान काटते हैं, है ना। तो वो एक एप्लीकेशन आती है उसकी अलग से फ़ोन में, ई चालान ऐप, उसका एक ID पासवर्ड बनता है सब इंस्पेक्टर का, वही चालान काटने की मतलब ऑथराइज होता है। तो फिर वो हमारा चालान का ID पासवर्ड बना के चैप जो उसको उसको एप्लीकेशन को ऑपरेट करना बता दिया। फिर हमको शाम के टाइम फिर हम पहुँचे अपने पॉइंट पे, तो वहाँ फिर एक बंदे ने हमको चालान काटना सिखाया कि ऐसे एप्लीकेशन खोलते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं, चालान काट देते हैं। वहाँ से फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया, चालान काट दिए कई सारे लोगों के, कोई कह रहा है किसी पे हेलमेट नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है, हमको मज़ा आ रहा था, हम नए थे, हमको चालान काटने में मज़ा आ रहा था। इससे पहले हमने चालान कटवाए थे, आज हम खुले हुए चालान काट रहे थे, तो फीलिंग ही अलग आ रही थी आज। फिर हमें चालान काटे, चार पाँच चालान काट दिया, चालान काट के फिर शाम को फिर अपना थाने वाने पहुँचे। तो तभी से फिर जो इलेक्शन टाइम पे ड्यूटी जो रहती है, मतलब चेकिंग वेकिंग की, वाहन चेकिंग की ड्यूटी ज़्यादा रहती है। तो फिलहाल दिन में हम कभी ऐसे जो हमारे सीनियर सब इंस्पेक्टर उनके साथ में हमें फील्ड में भेजते हैं, जो हल्का जो होता है थाने की चौकी होती हैं उनमें विजिट कराते हैं, भेजते हैं कार्यालय में, काम देखते हैं कैसा। थाने के जो बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, 70-72 रजिस्टर होते हैं थाने में, तो उनका हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं किसमें क्या लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है, है ना। हमको फील्ड में भेजते हैं तो मतलब बताते हैं यहाँ पे ये हिस्ट्री सीटर हैं, उनका घर है, और यहाँ पे ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। तो ये सब मतलब फील्ड की चीज़ें, मतलब हमको जो भी हमारे साथ में आता है वो हमको बताते हुए चलता है। तो वो क्षेत्र की मतलब जानकारी, ऑल ओवर कहें तो क्षेत्र की जानकारी, तो वो सब चीज़ मतलब अभी हमारा चल रहा है। और अभी इलेक्शन की वजह से फिलहाल चेकिंग वेकिंग ज़्यादा हो रही है, तो यही सब ड्यूटी अभी हमारी चल रही है। और जब तक इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर हमको इन्वेस्टिगेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी कुछ दिन बाद ही छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन होती है, सिर्फ बाइक चोरी की हुई है ना, जुआ वगैरह ये सब की इन्वेस्टिगेशन छोटी छोटी स्टार्टिंग में छोटी मिलती है, उनसे सीखते हैं, फिर बड़ी मिलती हैं आगे। तो ऐसे ये फिलहाल हमारी ड्यूटी चल रही है थाने में, अभी हमारा ऐसा चल रहा है। तो फिलहाल आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।